वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करेंगे, मजा आ जाए। हाँ तो गाइज हम लोग आ चुके हैं गांधी मैदान और फिर से मेहंदी वाला वीडियो बन रहा है। और रचना के हाथ में, रचना हाथ दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ, एक हाथ में लग चुका है और एक हाथ में लग रहा है। और इधर बहुत सारे बच्चे हैं, सबको लग रहा है मेरा शादी, सबको लग रहा है कि रचना का शादी है। एक रचना के ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बहुत यहाँ पे बैठे हुए हैं नीचे में और यहाँ पे लगाया जा रहा है मेहंदी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, सब देखने के लिए एकदम बेताब हैं। बोले हैं ना झूठ का ऐसे ही कि रचना का शादी होगा मैरिज हॉल में, तो आप लोग आइएगा। तो एकदम तैयार हो गई, ठीक है। और जो मेहंदी लगा रही है ना, उन्हीं की बहन है ये, भी आई है। आज पहली बार हम लोग मिले हैं और बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके जब भी मेहंदी लगाने आती हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? तनुजा। स्कूल जाती हो? क्यों नहीं जाती स्कूल? जाना चाहिए ना। और इसको भी मेहंदी लगवाना है, तो अभी रचना का ख़त्म होता है तो सब लाइन में लग जाना, थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे, ठीक है। जो दुगो है वो बोल रहा है हाय रे मेरी मोटू। ब्लॉग चैनल और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और भाई साहब धूप है, धूप में जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और कल हम लोग गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, आप देख सकते हो, और थोड़ा सा और रेड होगा कल। कल जाके 2 दिन में मेहंदी का रंग आता है। और रचना के हाथों में भी बहुत अच्छे से मेहंदी लग चुकी है गाइस। और आज भी हम लोग जाने वाले हैं बहुत जगह, क्योंकि बहुत एडवांस में वीडियो जमा करना है, इस वजह से 2-3 जगह जाने वाले हैं। तो आपको सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा और बहुत अमेजिंग सी ब्लॉग आएगी। ऐसा मन कर रहा है ना कि धूप में ऐसे ही धूप सेके और बैठे रहे ऐसे करके। धूप में तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो चलिए नीचे चलते। आज सेब नहीं, आज ओट्स खाया जाएगा गाइस। और सेब पड़ा हुआ है इंतज़ार में कि हमको कब खाएगी, हमको कब खाएगी, हमको कब खाएगी। अपने हाथों का मेहंदी दिखाओ ना रचना, रखो ना बाटी वाटी सबको साइड में। हाँ अभी और रंग जमेगा इसके हाथों में, कल तो एकदम काला भुजुंग हो जाएगा, भुजुंग। जाना है बाहर वीडियो शूट करने के लिए और आज हम ये वाला कुर्ती पहनने वाले हैं, चिकनकारी वाला, बहुत दिन से रखा हुआ रहता है लेकिन पहन नहीं पाते हैं। और उतना जो कपड़ा दिख रहा है ना आपको, सारा साफ करने वाला है, तो मेरे पास तो फिर भी नहीं है। हाँ लड़कियों के पास कभी कपड़ा होता है क्या? हम लोग का ना रैक से गिरते रहता है कपड़ा, लेकिन सच में नहीं है हम लोग के पास। अभी भी मन करता है कि कोई एक ट्रॉली ना हम लोग को दान में दे दे, ठीक है, मन नहीं भरता है कपड़ा। हाँ एक भी अच्छा नहीं है। और पता है जब कहीं जाने लगो ना तो समझ ही में नहीं आता कि क्या पहनना है, कहाँ, मतलब क्या, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तब पता चलता है कि कपड़ा ही नहीं है यार, फिर से खरीदना पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए, देखने लगते हैं। तो फिलहाल अभी खाते हैं और जाते हैं नहाने। हेलो गाइस, तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी जाना है हम लोग को बाहर। थोड़ा बहुत मेकअप हम भी किए हैं, आज काजल भी लगाया है, देख सकते हो। वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करेंगे, मज़ा आ जाएगा आज। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बहुत जगह जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मस्त ब्लॉग बनने। हाँ तो गाइज हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और यहीं पे हम लोग को आना था वीडियो शूट करने के लिए। बाहर का व्यू दिखाते हैं, ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। रचना शूट किए जा रहे हैं, मतलब शॉट वगैरह जितना भी वो चीज़ होता है ना वो ले रही है। हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं, फूड में क्या क्या आएगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और अभी से ब्लॉग में बने रहिए, बहुत जगह जाएंगे, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आज तो दमदार सा मैच होने वाला है आज का, इंडिया और पाकिस्तान का। आप सब लोग देख रहे होंगे, हमको पता है सब लोग। और अच्छो कनी मरो ध्यान दो। पता नहीं जूम क्या हो जाए छे, एकदम शॉर्ट लिए जा रहे लिए जा रहे। इसका तो भूख भूख से बुरा हाल हो गया है। भूख लग गया ना, लगा ना, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ ओट्स खा के आए हैं, ओट्स। तो गाइस हम लोग फूड का वेट कर रहे थे और वीडियो सारा बन चुका है और भूख से एकदम हालत ख़राब है, क्योंकि सुबह में बोले थे रचना को खाना बना लेते हैं थोड़ा सा खा के जाएंगे, लेकिन वो बोली कि नहीं चलो खाने वाला ही है, तो सच में खाने वाला रहता है ना तो फिर नहीं खा पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ना ओट्स खा के आ चुके हैं यहाँ पर और बहुत देर पहले ही आए। 2 घंटे से शूट किए जा रहे हैं, शूट किए जा रहे हैं और मैच भी देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान बनाया है 37 रन। दूसरे को अपनाइए।
बहुत ज़्यादा थक के आ चुके हैं और सिटी सेंटर मॉल गए, वहाँ से फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर वहाँ गए और एक जगह और जाना था लेकिन नहीं हो पाया गया। इतना ज़्यादा खाए थे, इतना ज़्यादा खाए हैं, अभी भी पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं है। अगर कुछ नहीं, मुझे पानी चाहिए और नींद बहुत जरूरी। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तब सुबह में कितने बजे, आठ बजे नहीं, 11 बजे हम लोग निकले थे बस ओट्स खा के। अभी पता है आने टाइम कितना ज़्यादा था, मतलब एक भी ऑटो नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा जाम था, यहाँ तक जाम था। ठीक है, तो अभी आया मतलब कान वान सब दर्द करने लगता है, इयर रिंग पहने पहने मन नहीं करता है पहनने का, तुरंत सबसे पहले हाँ गर्म पानी है उसमें पियेंगे, पी लो। और तब से प्यास लगे जा रही है पिए जा रहे हैं। लेके चली गई थी, हमको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी। हाँ, समझ सकते हैं, मेरे पास था और हम यहाँ पे छत पे बैठे हुए थे तुम्हारे इंतजार में। हम सिटी सेंटर मॉल चले गए थे कि आ गई थी, क्योंकि बोली हमको तो ना कबड्डी पबड्डी नहीं देखना, लेकिन हमको इंटरेस्ट बहुत मजा उस देर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम फर्स्ट टाइम कबड्डी देखे और हमको स्पोर्ट्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसको भी है, लेकिन इसको मैच अच्छा लगता है, कबड्डी वबड्डी कभी नहीं देखते, लेकिन आज हम देखे समझे हमको बहुत अच्छा लगा, सच में मजा आ गया। हाँ, तो आधा बहुत मेहनत से खेल रहा था। हाँ, तो कुछ देर हम देखे उसके बाद हम आ गए, तो ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंस गए ना, कुछ कहने का नहीं। अभी आए ना नीचे में सारी लड़की गायब थी, मतलब सबके रूम में ताला लगा था, किसी के रूम में सोचे थे बैठ जाएंगे के रूम में, लेकिन कोई थी नहीं। 8:15 हो रहा है अभी हम और हम छत पे बैठे हुए थे बिना मोबाइल का बिना सब कुछ का तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। और छोटी सी वीडियो है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग बस गर्म पानी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और क्या ही बोले। के लिए कॉल आ चुका है तो कल कहाँ जाना है वो कल आप लोग को पता चलेगा। तो जब तक है अभी अभी कुछ दिन है, 5-7 दिन है, तो हम चाहते हैं एडवांस में भी 2-4 वीडियो बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। हाँ, मतलब पता नहीं डेली डेली जब का जाना हो रहा है, इस वजह से नहीं बन पा रहा है। और हम लोग जब तक हैं तब तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। हाँ, क्योंकि जब नहीं रहेंगे फास्टिंग भी रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। कल से फास्टिंग रहेगा, आज हम चिकन खाए हैं और चिकन खाए हैं, कल बाल धो के नहाएंगे और जितना भी होता है रूम वूम की सफाई करेंगे और फिर पूजा पाठ चालू। ये थी छोटी सी वीडियो और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना और क्या ही बोले, आप लोग तो बहुत प्यारे हो ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।